बन चुके हैं और जा रहे हैं अपनी शपथ ग्रहण समारोह के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने वाले यंगेस्ट सीएम ऑफ द स्टेट। सपने और सेक्स दोनों में एक बात कॉमन होती है, अधूरे रह जाए तो ऑर्गेज्म नहीं होता। लेकिन मेरा यंगेस्ट सीएम बनने का सपना आज पूरा होने वाला था। अब हो रहा है ऑर्गेज्म, फुल ऑर्जी चल रही है। डेमोक्रेसी इज अ मिथ एंड पॉलिटिक्स इज द अगली ट्रुथ। पर असली टीआरपी उसी की आती है जो हिस्ट्री को लाइव बनते हुए दिखाता है। एक भी मोमेंट मिस हुआ ना, कंसीडर योर करियर स्पॉट। आई एम टेलिंग यू कर्टेसी ग्रेशमा। वन सेकंड यूडी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, व्हाई यू गेटिंग सो स्ट्रेस्ड? कॉलेज का दोस्त सीएम बन रहा है, व्हाई शुड आई रिलैक्स? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गिव मी अ हग। तो खुश नहीं लग रहा है? मार ठोक दी चीफ आपने दुनिया की। चीफ से ज्यादा चीफ मिनिस्टर खुश क्यों नहीं होगा? खुश योगेश, पूरा स्टेट हिला दिया भाई, सीएम बनने जा रहे हैं, क्या फीलिंग होगी यार? आज नीलू आ जाओ। अरे खुश योगेश कम, रिश गेट योर एस हियर, गेट इन द फ्रेम। पति कहाँ है तुम्हारा? शशांक। शशांक शशांक आ जाओ। अरे धवल आप भी आओ। हाँ शशांक, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट सर, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो आ जाओ। ओके व्हाट डू यू से गाइस? ओके थोड़ा सा स्माइल करिए। ब्लडी लूजर्स फ्रॉम केसीसी कॉलेज राइट, बैच ऑफ 2010, ब्लडी वी ओन द वर्ल्ड नाउ। यूडी, ओपन जीप में जाना जरूरी है क्या? नीलू हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं ना। लेकिन इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है तो? तुम्हें क्या लगता है मैं इन सरकारी लोगों के भरोसे हूँ? मेरे पास धवल है, तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ। हेलो, लवली, सॉरी आई एम लेट, आई हैड टू लुक पिक्चर परफेक्ट फॉर यू। यू ऑलवेज लुक पिक्चर परफेक्ट टू मी। We'll get in the car. What were you trying to do, yaar? I mean, there's a protocol that you have to follow. The entourage has assigned that open jeep for him. Why were you asking him to leave it? Sorry. No, what sorry, man? जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य के youngest CM युधवीर सिंह अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकल चुके हैं। काफिला उन्हें follow कर रहा है। आप ये news follow कर सकते हैं Key News पर। Chief. सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं आगे मामला खराब है। डबल क्या हो गया आगे? लो इसी रास्ते से लो। चीफ जाम लगा होगा, लेट हो जाएगा, मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ।
नवल, मैं कह रहा हूँ सीधा इसी रास्ते से लो। What's going on? Equal fight! Equal fight! Equal fight! Equal fight! नवल, क्या हो रहा है? ये क्यों शोर मचा रहे हैं ये लोग? चीफ कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ मांगे इनकी, बिना बात के कुछ दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। आगे लो गाड़ी, दिक्कत हो जाएगी आगे, मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ। आगे लो। ये चूतिया हो गया क्या? यूडी क्या कर रहा है ये? एक सेकेंड रुको। Be careful. It's okay. एक मिनट। शोर मत मचाइए प्लीज, शोर मत मचाओ। शोर में अक्सर असल मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, बताइए मुझको। ब्लडी यूथ लीडर, प्रॉब्लम सकते पता नहीं हमारी। As you give a fuck? I do give a fuck, bro. मुझे सिक्योरिटी ने बोला था कि आप किसी और रास्ते से चले जाइए, पर फिर भी मैं यहाँ आया, so I do give a fuck. देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं तो कोई मुद्दा जरूर होगा। So now you tell me, bro. What do you give a fuck about? Tell me. Try me at least. UD sir, हमारे college admission process are really screwed up. Pardon my language sir. No, language is just a means to express yourself. So don't worry about it. 90% seat reserved है sir. और तो और general category को merit list में seat भी नहीं मिलती है sir. Reservation से problem है आपको, right? सब लोगों को बराबर opportunity मिलनी चाहिए. यही बात है ना? इस साल world cup देखा था किसी ने? Yes sir. न्यूजीलैंड मैच हारी थी तो बुरा लगा था ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब न्यूजीलैंड मैच हारी थी। मुझे लगा था कि दे डिजर्व टू विन, लेकिन एक टेक्निकलिटी की वजह से वो बेचारे पीछे रह गए, है ना? जब आप कोई चीज डिजर्व करते हो, आपको पता है आपने मेहनत की है और वो आपको ना मिले, तो बुरा लगना लाजमी है। इट्स बाउंड टू हैपन। देखिए, रिजर्वेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ आके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, है ना? मैं कोई नायक पिक्चर का अनिल कपूर नहीं हूं कि एक दिन का सीएम बन के फोड़ दिया मैंने। दिस रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और आप लोग भी मुझे इतनी आसानी से जाने मत दीजिएगा। आपके पास सोशल मीडिया का हथियार है। हाँ, ब्लॉग्स लिखिए, आप ट्वीट करिए, मैं खुद वो चीजें पढ़ूंगा। और जो जो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, मैं उन्हें एडमिशन दिलवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। प्रेस के सामने आपके लिए सिगरेट भी पिए मैंने, अब ये मेरा कल जुलूस निकालेंगे टीवी चैनल पे। अब तो खुश हो जाओ यार। Are we good? Yes, sir. सुनाई नहीं दिया? Are we good? Yes, sir. Okay, thank you. Yudhir Singh! Yudhir चीफ, पहली बॉल पे छक्का मार दिया, अब तो बैठ जाओ। अरे अभी बैठने का समय नहीं है धवल, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। सीएम तो बन गए, अब देखना ये है कि पीएम। चीफ, चीफ। सपने और सेक्स दोनों में एक बात कॉमन है, अगर पूरे ना हो तो ऑर्गेजम नहीं होता। मेरा चीफ मिनिस्टर बनने का सपना अब पूरा नहीं होने वाला था, पर इस एंटी क्लाइमेक्स का फोरप्ले 2009 में शुरू हुआ था। ये जो मुझे घेर के खड़े हैं, ये तब भी मेरे साथ थे, क्लूलेस। मैं भी क्लूलेस था, बट दैट फकिंग नाइट चेंज्ड एवरीथिंग।
नीलू स्टॉप इट व्हाई नॉट राइट मैं फर्स्ट ईयर से तुम्हारे साथ हूं यूडी व्हाई कांट यू एक्सेप्ट नीलू देयर यू आर हाय व्हाट इज माय यूडी ट्रबलिंग यू हां व्हाई नो नहीं नहीं आई हैव टू गो यार सॉरी क्यों जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट है सॉरी ओके आई सी यू हां बाय बाबा कॉलेज में पार्टी देना जरूरी था क्या इलेक्शन का टाइम है ना इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू ना व्हाट इज द राइट थिंग टू डू देन इट्स नॉट सेफ इलेक्शन डेमोक्रेसी सब टाइम पास है ना या इट्स ऑल अ मिथ प्रिंस इलेक्ट नहीं होते ना प्रिंस बस होते हैं अच्छा नहीं होते प्रिंस चार्मिंग काका हाँ भाई कोई लड़की देखी तेरे से जाते हुए पिछले 10 साल में तो देखी ना कोई लड़की यहाँ हॉस्टल में काका सच में इतने बड़े चूते सबका काट रहे हो एक्सक्यूज मी कहाँ से आ रही हैं आप आसपास के इलाके में जानवर रहते हैं और एक जानवर तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है इंसान वो भी ये रात के अंधेरे में तुम हो भरोसे के लायक मेरे पे भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ठीक है हॉस्टल छोड़ चले सॉरी भांग खाकर सोया क्या इन चूतियों को समझाते हैं कॉलेज का असली बाप कौन है बहन चोद ये हॉस्टल है तुम्हारे बाप का खोला हुआ कोठा नहीं है बंद करो बहन चोद ये सब और तुम सब लड़कियां बॉयज हॉस्टल में क्या कर रही हो लगाओ टीम को फोन क्या कर रहे हैं यहां पे बेबी आई एम ब्लू ब्लड यू थिंक आई केयर यार सुनो भाई दिक्कत हुई यार कुछ देयर इज नथिंग लाइक दैट भोसड़ी के आज पैदा हुए हम ओए छोड़ से क्या छोड़ से और तू कौन है बाप हो तुम दोनों इधर के हैं हाँ है बोल पिछले 2 साल से तो हम ही हैं और इस साल भी कुछ बदल लेने वाला समझी यार नहीं प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हम बड़ी फकटार्ड्स कहाँ से आए हो तुम लोग तुम दोनों ने कभी अपने गांव में ट्रक के पीछे बड़ा बड़ा लिखा पढ़ा और चलो मत बराबरी करो हाँ नहीं तुम लोगों को आइडिया भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो ये जो फालतू की नेतागिरी है ना जो शवरा पे रास एंड गेट लॉस्ट तुम लोगों को ना अपने बाप का नाम तक याद नहीं होगा पर यूडी के दादा का नाम ना सबको याद है महाराजा शमशेर सिंह पता है कौन है वो रॉयल्टी है वो क्या है रॉयल्टी डायनेमिक यूथ लीडर्स कुश राजेश आर यू गाइस योगेश डजंट मैटर यू वांट ड्रिंक तुम्हारी बात सुन कैंपस में ड्रग्स हॉस्टल में लड़कियां नॉट अलाउड सेज हु अरे ये रूल्स रेगुलेशन ये सब कॉमनर्स के लिए होते हैं राजा महाराजाओं के लिए नहीं होते बट दिस इज माय लास्ट ईयर हॉस्टल के लोगों को कब एक्सपोजर मिलेगा वो कब अच्छी शराब पिएंगे थिंक ऑफ देम देख नवाबजादे इलेक्शन का टाइम है और हमारे मैनिफेस्टो का टॉप एजेंडा पता क्या है तेरी ये जो नकली रॉयल्टी है ना इसके चंगुल से इन मासूम बच्चों को छुड़ाना समझा सुन लिया सबने चलो रे पार्टी ओवर Listen, this is very bad, huh? उसने अभी इतने जोर से धमकी दी तुम लोग हिले भी नहीं Guys, nobody gives a flying fuck about your fucking manifesto. Come on. तू हायरार्की समझ रॉयल फैमिली पॉलिटिशियंस प्रजा तुम्हारी पार्टी को वोट चाहिए मुझे पार्टी चाहिए तू मुझे रिस्पेक्ट दे मैं तुझे वोट दिलाऊंगा विन विन डी What do you say? रोक दीजिए
ठीक तो हो? सर आप पूछ रहे थे ना मैं कहां से आ रही हूँ? बॉयज हॉस्टल से शराब की बदबू आ रही है आपको? बॉयज हॉस्टल? You wanna have some scotch? Single malt. महंगी विस्की. पता है? पता है. You wanna do some lines? Excellent stuff. भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में और इलेक्शन में यही काम आएगी. यूरी रहने देते हैं ना? अरे उसका मन है, देखो उसकी शक्ल. ए, इसके घर पे कोई शिकायत मत करना. अब प्रॉमिस, मम्मा कसम, हम नहीं बताएंगे. ए, चक्के देख. Can't believe this. भाई ये करने नहीं आए थे हम यहाँ पे. फट्टू है क्या? सरकार कैसे चलाएगा कॉलेज की? अरे लोग इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या करते, तू एक लाइन नहीं खींच पा रहा है. कम ऑन, शो मी व्हाट यू गॉट. क्या सरकार चल रहा है यहाँ पे? हाँ, किसका कमरा ये? तेरा? Yours? किसका फिर? मेरा है, प्रिंस युद्धवीर सिंह. उठाओ उठाओ युवराज को, इनका ताजमहल ताने में चल के उछा लेंगे. चलिए. रुक पीछे. कोक? और किस किस ने किया वो बता दो, वरना हम तो पता लगा ही लेंगे. ये सब करने आते हो कॉलेज में? माँ बाप का पैसा ऐसे फूंक रहे हो? कितने बजे से चल रही है पार्टी? चलिए चलिए, आइए मैडम, इनको लाइन बनाकर बाहर लेकर चलिए. चलिए. आपने पैसे और रॉयल्टी की एक सुर्री बना और डाल ले अपने और अपने दादा की गांड में. कानून न तेरा है, न तेरे बाप का, न उसके बाप का, समझा? उठाइए युवराज को और ये सब इसके चमचे और कटोरियों को. इकट्ठे करो ये बर्तन भांडे, लेके चलो सब. सर सर दो मिनट हमारी बात सुनिए ना. मतलब राजा साहब को छोड़िए सर, आप हमें तो जानते हैं. क्या है सर? अरे सर. सर मैं योगेश कटारिया, भाई कुशलामा. सर हम वन इंडिया पार्टी के यूथ विंग से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार. सर चौधरी भैरवनाथ, सीएम साहब. सर हमारे मेंटोर हैं, मैं आपकी बात कराता हूँ सर, आप दो मिनट आइए. सर दो मिनट साइड सर. दो मिनट प्लीज प्लीज आइए. छोड़िए सर इसको. तुम दोनों के होते हुए भी ये सब हो रहा है सर. महाराजा चूतों में धर ले रॉयल्टी. भग भेंचो. Come on guys, the party's over. Let's call it a night. UDI, I just... We need to contest college elections. What? Banquet. That night, उस रात मुझे पता चला कि एक प्रिंस के सामने दो कौड़ी के स्टूडेंट लीडर्स इतने पावरफुल थे. You know, power is a slut. पहले वो पैसे वालों के बिस्तर में सोती थी and now she sleeps with politicians. Tashi will stand for the president. UD, हमारे पास टाइम नहीं है. करिश्मा, you'll stand for general secretary. He's hot. He's not serious. Do I look like I'm joking, Tashi? And I fucking wanted power back in my bed. इसीलिए politician बनना था मुझे, क्योंकि मुझे अल्टीमेट पावर चाहिए थी किसी भी कीमत पर. एंड देयर गोज ऑल द पावर. असली पावर चखने से पहले, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही किसी ने मुझे मार दिया. डैम इट. पर मुझे मारा किसने? हु द फक किल्ड मी? पहचाना इसे? यही है वो चूतिया अभिमन्यु सिंह.
इसके एक थप्पड़ ने मेरे लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदल दी। अभिमन्यु, तुम यह क्या कर रहे हो? युद्धवीर के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन। मर्डर? इट्स एन एक्सीडेंट, है ना ग्रीष्मा? पॉलिटिक्स में हादसे नहीं होते, मर्डर होते हैं। एंड फॉर वंस ही इज राइट, पॉलिटिक्स में एक्सीडेंट्स नहीं होते, मेरा मर्डर हुआ है। तो अभिमन्यु सिंह, यू गेट टू योर जॉब और पता लगाओ कि हु द फक किल्ड द चीफ मिनिस्टर। Take you with the rest. Soon you're on the side.